हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज की वीडियो में मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ अपना मीशो हॉल। अगर आप लोगों ने मेरे बाकी के मीशो हॉल्स नहीं देखे तो प्लीज आप जाके जरूर चेकअप कर लो। मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड मीशो ऐप अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं डाउनलोड की तो मेरे लिंक के थ्रू मीशो ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। आपको 30% ऑफ मिलेगा या फिर ₹100 ऑफ मिलेगा आपके पहले ऑर्डर पे। अगर आप लोगों ने ये वाला मेकअप लुक नहीं देखा तो आप जाके जरूर चेकआउट कर लो। ये है ब्राइडल मेकअप लुक, लाइक फर्स्ट टाइम मैंने अटेम्प्ट किया है। बहुत सारी ज्वेलरी, मतलब बालों पे भी एंड चुन्नी वगैरह मैंने ली हुई थी, तो अभी तो चलो मैंने सारा हेयर एक्सेसरीज को रिमूव कर दिया क्योंकि बाकी की वीडियो शूट करना वाज नॉट पॉसिबल। बार बार वो गिर रहा था, नथ भी मैंने डाली हुई थी, तो अब वो बोले वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बाल बाल अपने ओपन कर लिए ताकि थोड़ा सा मैं कंफर्टेबल हो जाऊं और मैं अपने बाकी की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। ओके गाइस, नवरात्रि आने वाली है एंड आई एम सो एक्साइटेड। एक्साइटेड इसलिए क्योंकि ये फेस्टिव सीजन है ना, तो अच्छे अच्छे मेकअप लुक्स करने का भी मन कर रहा है। आप लोग देख भी रहे हो और व्यूज भी अच्छे आ रहे हैं, मतलब अच्छे आ रहे हैं, यूजुअल जितने आते हैं उससे तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो मेरा बहुत ज्यादा मन था कि मुझे कोई अच्छा वाला नवरात्रि का आउटफिट मिल जाए जिसके साथ मैं अच्छे अच्छे लुक्स आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। तो गाइज, 3 आउटफिट मैंने बाय किया है मीशो से। ट्रस्ट मी, दे आर अमेजिंग अमेजिंग। मतलब प्राइस मुझे किसी का याद नहीं आ रहा, स्क्रीन के ऊपर आपको मिल जाएगा। बाकी इन तीनों आउटफिट्स के कोड वगैरह तो मैं आपको डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, जो दो चार चीजें हैं ना, आई थिंक दिस रिंग इज फ्रॉम मीशो। ये जो नेक पीस है इसका मैंने ऑलरेडी हॉल शेयर कर दिया था, ये भी मीशो की है। एंड एक मैंने सिर के ऊपर ना वो डाला हुआ था, तो मतलब जो भी मेरी ज्वेलरी वगैरह है वो लास्ट हॉल में मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए, तो आप लास्ट हॉल जाके देख लेना। ये था, ठीक है? ओ भाई साहब, इतना खूबसूरत वाला पीस है ना, ऐसे करके था, ठीक है? अभी मैंने डाला भी हुआ था, बट यार पता क्या था, इतना प्रिटी पीस है ना, और मेरे बाल मैंने आज ही वॉश किए थे तो थोड़े काफी सिल्की सिल्की थे, तो ये बाल में टिक ही नहीं रहा था, मतलब बार बार मेरा पिन तक नहीं टिक रहा था, स्लिप हो रहा था। चलो, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वैसे तो मैंने सारे ज्वेलरी वाले अलग से हॉल शूट किया, आप उसमें जाकर चेकआउट कर सकते हो। इसमें हम बात करेंगे नवरात्रि के आउटफिट्स की। तो मैंने 3 आउटफिट मंगवाए हैं। सबसे पहले ओके, देख लो अभी जितना आपने जो साइज वाइज ढंग से देखना है, क्योंकि बस आज शाम को ये टेलर के पास जाने वाला है और मैं टेलर को कहने वाली 2 दिन के अंदर अंदर मेरे को बस फिटिंग ही करनी है, और क्या करना है इन्होंने, है ना? चलो फिर, सबसे पहले तो गाइज हम बात करते हैं कपड़े की। तो कपड़ा कॉटन है, कॉटन का कपड़ा है एंड वेरी प्रिटी, मतलब ढंग से दिखाने दो, हाँ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। इसके ऊपर धागे का काम किया हुआ है, इतना सुंदर काम किया हुआ है, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं तो ये बहुत अच्छा निकला, फिर बहुत अच्छा कपड़ा आया। ये देख लो, एक सेकेंड, अरे ये रियल मिरर्स हैं, असली वाले शीशे हैं ये, असली वाले शीशे। साथ में आपको ये देख लो कलरफुल सी लटकन सी यहाँ पे मिल जाएंगी एंड काफी बड़ा है, मुझे साइज काफी बड़ा है, मतलब अगर आपकी बोस्ट साइज, आई थिंक ब्रेस्ट साइज अगर आपकी 44 है ना तो आपको आ जाएगा। इनफैक्ट ये मेरी मम्मी को आ जाएगा, मैं आराम से कह सकती हूँ मम्मी को आ जाएगा, क्योंकि मम्मी जब कुर्ती बाय करती है ये डबल एक्सएल वालों को आ जाएगा, बहुत आराम से आ जाएगा। मुझे लगता है मम्मी को भी ये लूज आएगा, ठीक है? तो अगर आप हेल्दी हो ना तो भी आप इसको बाय करो, ये वाले आउटफिट को आपको बहुत आराम से फिट हो जाएगा और साइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ये इसका बैक है, बैक में भी आपको देख लो कलरफुल सी डोरी लगाई हुई है और कुछ इस हिसाब से ना ब्लैक कलर का लगाया हुआ है एंड हुक वगैरह दी हुई है यहाँ पे बैक में। और जो स्लीव्स के ऊपर ये कलरफुल से टैसल्स हैं, ये टैसल्स है, है ना, ये पॉम पॉम तो नहीं है, टैसल्स हैं, तो ये देख लो। और ये नीचे भी टैसल्स हैं कुछ इस हिसाब से, आगे पीछे आपको पूरी डिजाइनिंग मिल जाएगी। मैं खड़े होके ना तभी कपड़ा दिखा देती हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से खुद देख सको, पूरा एकदम भरा हुआ कलरफुल सा है ये। और एक सेकंड, सॉरी मुझे लग रहा था कि कुछ गिरा है। तो इसके साथ गाइज, अच्छा इसमें बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन है, आप अपने अकॉर्डिंग जाके देख लेना। ये जो दुपट्टा है कॉटन का नहीं, ये क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा, वहां पे डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा, शिफॉन बोलते हैं इसको शायद, शिफॉन बोलते हैं, एनीवेज अगर मैं गलत बोलूं तो क्या फायदा, ठीक है? आई थिंक ये शिफॉन ही है, ये देख लो, पर अच्छा है, या जॉर्जेट है, जॉर्जेट है, देखना उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
क्योंकि मेरे पास तो गाइस कल आया ये आउटफिट, आज मैंने बस एकदम रेडी होगी मेकअप करके, तो मुझे था मैं इसको फटाफट से निकालू, तो मैंने इतने ढंग से बताया, डिस्क्रिप्शन वगैरह कुछ भी नहीं देखा, मुझे बस मैं शेयर कर दू आप लोगों के साथ। बॉर्डर देख लो कितना अच्छा खासा सुंदर सा डिजाइन बना, बिल्कुल सेम वैसा जो आपको ब्लाउज में डिजाइन मिल जाएगा, साथ में आपको टेसल्स मिल जाएंगे एंड हाईली रिकमेंड करूंगी मैं। हां जी, मैं ये आज बार बार बोलने वाली हूँ, हाईली रिकमेंड करूंगी, क्योंकि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अच्छा आएगा। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लगा हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है मतलब, बट मुझे नहीं पता कि कपड़ा भी अच्छा आया, क्योंकि मुझे डर था ना कहीं वो पॉलिस्टर के ऊपर ही ना ये सारा कुछ डिजाइनिंग वगैरह से करके दे दे, बट नहीं ऐसा कुछ नहीं, कॉटन के ऊपर उन्होंने करके दिया हुआ है। एक ब्लाउज देख लिया आपने, दुपट्टा देख लिया, चलो अब इसके साथ मैचिंग है रेड कलर की, ठीक है। इतना हैवी है ना, हैवी क्यों है वैसे, ये कढ़ाई के कारण हैवी है, मैं देखूं इसके अंदर और क्या है, भारी है मतलब, ट्रस्ट मी अगर आप घूमोगे ना इसको डाल के। अब देखो मुझे नहीं पता कि कोविड की वजह से आप लोग नवरात्रे में वो डांडिया गरबा डांडिया नवरात्रे में होता है वही बोलते ना, गलत तो नहीं बोल रही मैं, सॉरी माफ कर देना, गुजराती खेलते इतना मुझे पता है, बट यार इतने मजे वाला फेस्टिवल होता है, कोई भी खेल लो ठीक है। तो मतलब अगर आप इसको डालोगे ना तो डेफिनेटली आपको सब देखने वाले हैं। अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो नवरात्रि पे कुछ भी ऐसे यू नो आउटफिट्स बाय करने के, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी मीशो से बाय करना। ये देख लो कमर आपको दिख गई, इतनी आपको कमर मिल जाएगा, अब आप खुद अंदाजा लगा लो 44 बहुत आराम से मतलब जाएगी आपकी, ये रुको अभी और खुली जाएगी, ये देखो ये है पूरी कमर, ठीक है आप अपने आप अंदाजा लगा लो, ठीक है गाइस। मुझे कैसे रिसीव हुआ है, मुझे ऐसे करके रिसीव हुआ है, साइड से स्टिचिंग की हुई है इन्होंने, यहां से बस ये थोड़ी सी स्पेस छोड़ी हुई है इसके अंदर नाला वगैरह डालने के लिए या इलास्टिक वगैरह डालने के लिए, जो भी आप प्रेफर करते हो। मैं एक बार इसको ढंग से दिखाती हूँ, ये देखो जरा देख रहे हो इतना हेवी है ना, मतलब पूरे इतनी जगह पे धागे का काम किया, और ये जो कपड़ा है ना ये रेयॉन कपड़ा है, ये रेयॉन कपड़ा है, रेयॉन के ऊपर किया है, तो मतलब बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगने वाली। ये देखो डिजाइनिंग देखो जरा, ओ भाई साहब इतना खूबसूरत आउटफिट। हाँ मैं बार बार बोलूंगी कुछ लोग इरिटेट हो जाते हैं, बट मैं अगर कोई चीज मेरे एक्सपेक्टेशन से अगर ज्यादा अच्छी निकल जाती है ना तो मेरे को दिल से तारीफ करने का मन करता है। आपने देख लिया, ये देख लो पीछे से मतलब बिल्कुल सेम है आगे पीछे से, ये नहीं कि सिर्फ आगे आगे कढ़ाई दी हो, ये पीछे दिया। अच्छा एक ये भी चीज होती है कि आगे से बहुत हैवी लुक कर देते हैं और पीछे से सिंपल कर देते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, इसका चोली का लुक भी बहुत हैवी है आगे पीछे से, और इसका भी लुक अंदर क्या है मेरे को देखना है, इतना भारी क्यों लग रहा है मेरे को। अच्छा भारी इसलिए है क्योंकि धागे का काम बहुत ज्यादा किया हुआ है, अदरवाइज ऐसा चंद्र कोई वो नहीं है, मतलब कैन कैन टाइप से ये लाइनिंग वाइनिंग है, लाइनिंग वैसे होगी भी क्योंकि ऑलरेडी ये रेयॉन का कपड़ा है, मोटा है, सी थ्रू तो होगा नहीं, वैसे भी इसके ऊपर इतना सारा धागे का काम किया हुआ है, तो ये जो काम किया हुआ ना उसकी वजह से ये इतना हैवी है, देख रहे हो। इसमें आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, तो मैंने तीन कलर्स मंगवाए हैं, दो तो मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, होप मैं ढंग से उसको कर पाऊं, फिंगर्स क्रॉस्ड, देखते हैं हम क्या गुल खिलाते हैं। चलो रुको, आपने देख लिया गाइस ब्लैक एंड रेड का कॉम्बिनेशन है, और उसके बाद फिर ये तीनों एक साथ ही रिसीव हुए थे मुझे, कल ही रिसीव हुए थे। ओहो पहले ही खोल के बैठ जाती, बट पहले मुझे था कि चलो कहां मैं इतना कपड़ा खोल के बैठ जाऊं, ऑलरेडी अभी लैंगो का हॉल करना था, बट आई थिंक वो मैं अभी स्किप कर दूंगी है ना, अभी मेरे पास थक गई अब मैं। ये आप देखो गाइस, इसको तो देखो मैंने भी नहीं ओपन करके देखा था, बस मैंने वो वाला ओपन किया और मैं इतनी इम्प्रेस हो गई, और मुझे पता था कि सेम सेलर है तो आपको सेम ही क्वालिटी मिलेगी है ना, बस कलर में ही फर्क था, कलर बहुत सारे थे, तो फटाफट से हम इसको दिखाते हैं आपको, ज्यादा डिले नहीं करते क्योंकि एक पीस आपको मैंने आपको दिखाई दिया ढंग से, एक बार मुझे ना मैच करना है, रुको रुको रुको, अच्छा फर्क है दिख रहा है आपको, भी देखने का मन करा होगा है ना। ये इसमें बहुत ज्यादा येलो कलर के धागे यूज किया हुआ, जो मैंने पहले आपको रेड का कॉम्बिनेशन दिखाया, इसमें क्या किया हुआ है, इसमें
ब्लैक कपड़ा तो ये भी है, ये भी इसका भी बेस ब्लैक है। इसमें क्या है, इसमें ग्रीन ग्रीन ज्यादा नहीं नजर आ, ग्रीन एंड पर्पल है ना, इसमें येलो रेड ज्यादा नजर आ रहा है और इसमें ग्रीन पर्पल और व्हाइट ज्यादा नजर आ रहा है ना, ग्रीन पर्पल और व्हाइट नजर आ रहा है। देख लो गाइस, एंड में आपको वही टैसल से मिल जाएंगे आपको, उसपे साइज वाइज बिल्कुल सेम है यार, बिल्कुल सेम है। पीछे से भी आप देख सकते हो, आपको दो यहाँ पे डोरियां मिल जाएंगी, अरे निकलो उधर, पीछे आपको डोरियां मिल जाएंगी, यहाँ पे हुक वगैरह लगी हुई है ठीक है। मेरी तो टेलर को सारे यहाँ से खोल के ना मेरी फिटिंग का करना पड़ेगा, और नीचे से भी आपको टैसल्स मिल जाएंगे। अच्छा, इसमें उसमें दूसरी शेप थी कांच के शीशों की, इसमें ये वाली शेप है, क्या बोलते हैं यार इसको, काजू कतली पता मेरे को तो नहीं, नहीं मैथ में क्या बोलते हैं इसको, हाय मैं भूल ही गई, फिटे मुंह आप लोग कमेंट करके बताओ। एक तो मुझे लग रहा है जैसे मेरे नाक में ना बाल जा रहा है, पता नहीं ऐसा लग रहा था। अच्छा देखो आप, ठीक है, इसके साथ गाइस आपको मिल जाएगा रेड कलर का दुपट्टा। अच्छा, उसके साथ ब्लैक दुपट्टा था है ना, आप बे यार रुको, नेल उतर रहा मेरा। इसके साथ आपको रेड कलर का दुपट्टा मिल जाएगा और सेम कढ़ाई मिल जाएगी इस हिसाब से। मैं आपको डाल वाल के कुछ नहीं दिखा रही क्योंकि डेफिनेटली अगर मंगवाया है नवरात्र के नजदीक मंगवाया है तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में मेरी प्लानिंग चल ही रही होगी ना, तो ये आप देखो, ठीक है, ये आप देख लो, ये जॉर्जेट लग रहा है मेरे को कपड़ा, और सेम वही वाली कढ़ाई की हुई है जो आपको ब्लाउज के ऊपर मिल जाएगी। फिर गाइस ये मेरे जूड़े के जो हेयर एक्सेसरी थी ना, वैसे घूम के जमीन पे गिर गई, कोई बात नहीं अब गिरने दो उसको। व्हाइट कलर बहुत खूबसूरत लग रहा है यार, और इतना हेवी है ना, और व्हाइट नहीं है एग्जैक्टली, इट्स ऑफ व्हाइट कलर है, बहुत सुंदर लग रहा है यार। काश सच में हम लोग कहीं जाके ऐसे यू नो कुछ इंजॉय कर पाते, यहाँ पे तो बस तैयार हो जाते हैं कमरे में, बस खड़े होके यहीं पे नाच के खुश हो जाते हैं क्योंकि ये हमारा काम है, बट जो एक्चुअल में ये वाले फेस्टिवल्स को मनाता है बाहर जाता है ना, तो यार आप लोग ट्राई करना, आपको पसंद आएगा, रिग्रेट नहीं करोगे एंड सबको अच्छा लगेगा। ये देख लो, ये डिजाइन है गाइज इसका नीचे वाले पोर्शन में सारा, और ये जो कपड़ा है अमेजिंग अमेजिंग कपड़ा है, अमेजिंग रेयन है, ऑफ व्हाइट कलर है, बहुत खूबसूरत है। ये देख लो, मैं आपको साइज दिखा देती हूँ, सबका ही सेम है, व्हाइट जब कोई चीज दिखाओ ना तो एकदम अलग से शाइन करने लग जाता। पीछे से भी ये देख लो, मैं आपको ऊपर करके दिखाती हूँ, ये देखो अभी, और ये खुला नहीं है इसका घेरा, ये बंद है, ओहो इसका खुला ही नहीं था अभी तक घेरा, रुको रुको रुको, ये मैं क्या करूं, सच में बहुत हैवी लग रहा है, और रेयन का है लेकिन स्टिल इट्स वेरी मच हैवी। ये देखो बहुत खूबसूरत है। सेकेंड आउटफिट एंड अब आई जाती है थर्ड आउटफिट की, तो ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, बिल्कुल सेम है बट कलर में डिफरेंस है, वो रेड एंड ब्लैक, व्हाइट एंड समथिंग रेड ब्लैक में था, अब ये है ऑरेंज कलर का, तो इसको मैं, ये ऑरेंज कलर का है और कुछ इस हिसाब से इसका ब्लाउज है, देख सकते हो आप, ठीक है, जिसमें येलो ग्रीन ब्लू ब्लू और रेड व्हाइट ऐसा कुछ है। आपको डोरी मिल जाएगी बैक पे एंड बैक का डिजाइन भी बिल्कुल सेम है गाइस, टैसल्स वगैरह आपको साइड में लगे हैं, नीचे भी लगे हुए हैं ब्लाउज के आगे पीछे दोनों तरफ, तो ठीक है सेम है, तो फिर उसको मैं और ज्यादा टाइम में आपको क्या लगाऊं दिखाने में। ये आपको इसके साथ ब्लू कलर की दुपट्टा मिलेगा, ये देख लो, मेरे पास ना कुछ भी ना ऐसा ऑरेंज एंड ब्लू के कॉम्बिनेशन में नहीं था, और इतना डार्क रॉयल ब्लू, इट्स नॉट रॉयल ब्लू, क्या बोलते हैं इसको, इंक ब्लू बोलते हैं पता नहीं, इंकिश ब्लू है ये कलर, और था नहीं मेरे पास कुछ ऐसा, तो मैंने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं वो दो आउटफिट, तो कुछ और प्लानिंग चल रही है मेरी, पता नहीं प्लानिंग करूं बस उसको कर पाऊं बस उतनी बड़ी बात है।
ये देख लो गाइस। एंड लास्ट ऑरेंज कलर है, रेयन कपड़ा है, साइज बिल्कुल सेम है, 44 साइज। ठीक है, कपड़ा मस्त वाला है, इसकी कढ़ाई आगे पीछे आपको कमर पे मिल जाएगी, यहाँ पे अरे भाई साहब बढ़िया लगेगा, अरे सुंदर लग रहा है ये वाला, बहुत प्रिटी लग रहा है, अरे खुजा पूरा ये ना इसके आपस में अटके हुए, अच्छा लग रहा है गाइज इसका डिजाइन भी, ये देखो ना यहाँ से कितना प्यारा सा डिजाइन शुरू हुआ इसका, है ना, अच्छा लग रहा है, इसके कलर मतलब पसंद आया मुझे, ऑरेंज ऑरेंज सा, वेरी मच फेस्टिव वाइब्स दे रहा है इसमें से भी, बहुत अच्छा है। आपको तीनों में से कौन सा अच्छा लगा? अगर आपको तीनों में से कोई भी नहीं अच्छा लगता तो और कोई जाके कलर देख लेना, वहां पे है 5-6 कलर थे तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो, बट ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों में से कोई भी ना पसंद आए, कोई 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 तो पसंद आया होगा, कॉमेंट करके बताओ जरा, रेड वाला पसंद आया, व्हाइट वाला या ऑरेंज वाला, कौन सा वाला पसंद आया मुझे जरा बताओ, मैं आपको एक बार पीछे से दिखा देती हूँ, ये देखो ठीक है, बहुत हैवी है, दिख रहा है आपको, ओके यस, नॉन स्टॉप वीडियो बनाई मैंने 16 मिनट से, मैं बोल रही हूँ। तो गाइज यही थी आज की वीडियो, होप आप लोगों को पसंद आई, एंड मेरी तरफ से मीशो से जरूर शॉपिंग करो, अगर आपको नवरात्रि के लिए कोई आउटफिट चाहिए, अगर आपको नवरात्रि के लिए कोई आउटफिट चाहिए टाइए बोल रही थी मैं, तो आप इसको जरूर ट्राई करो, इसमें और भी शेड्स हैं, आपको पक्का 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 पसंद आएंगे, क्वालिटी A1 है, कलर डिजाइनिंग, कलर कॉम्बिनेशन, कपड़ा बहुत अच्छा है, आपको गर्मी नहीं लगेगी, एंड बहुत हैवी लुक दे रहा है, देख के लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा महंगा होगा, बट मैं आपको स्क्रीन के ऊपर तो चलो डाल दूंगी, बट एक सेकंड रुको ना यार, मेरा भी मन कर रहा है देखने का कि आखिर में ये था कितने का, अभी मैंने इसको ढंग से ओपन किया, मीशो ऐप को ओपन कर रही हूँ मैं। अच्छा उतनी देर में आपको एक आधी चीजें बता दूं, कुछ लोग बोलते हैं कि दी हम मीशो पे एक समय पे एक ही प्रोडक्ट ऑर्डर प्लेस कर पाते हैं, तो हाँ जी डियर आप एक समय पे एक ही ऑर्डर प्लेस कर पाओगे, अगर वो सेम अगर एक सेलर से लेना है, एक सेलर के पास तो आपको एक ही प्रोडक्ट एक टाइम पे ऑर्डर प्लेस करोगे ना, अभी एक सेलर था जिसके पास ये तीनों कपड़े मुझे मिल गए थे, सेम ही है ना यार, रंग में फर्क था ना, तो मैंने फिर तीन प्रोडक्ट का एक साथ मेरा ऑर्डर प्लेस हो गया था, समझ आ रही है आपको बात, सेलर अलग अलग है ना, तो अलग अलग जगह से आते हैं कपड़े, क्या प्राइस है, खुल गया खुल गया खुल गया, 1748 नहीं नहीं अभी 1567 चल रहा है इसका, 1500 रुपए अभी रेट चल रहा है, तो 1500 रुपए के अकॉर्डिंग इट्स गुड, इट्स गुड, इट्स वेरी गुड, इट्स अफोर्डेबल, सही है, बाकी आप लोग मुझे बता सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग तो बिल्कुल सही है, 1500 रुपए में आपको अगर ऐसा आउटफिट मिल रहा है तो यू शुड डेफिनेटली ट्राई, ऊपर से 500 रुपए लग जाएगा आपका वो स्टिच वगैरह थोड़ा बहुत करने कराने में, फिटिंग करवाने करू ना, मेरा तो 500 रुपए ही लगता है, तो 2000 रुपए में आपको ये वाला आउटफिट रेडी हो जाएगा, तो आई थिंक नवरात्रि के लिए हम सही है, सही है, मुझे सही लगा, सही लगा। चलो फिर मिले अपने नेक्स्ट वीडियो में, चिल एंड बाय बाय, लव यू, सारे प्रोडक्ट्स के कोड एंड मीशो का डाउनलोड का लिंक, ऐप के डाउनलोड का लिंक मैंने आपको डाल दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे लिंक के थ्रू अगर मीशो आपको डाउनलोड करोगे आपको 30% ऑफ मिलेगा या फिर 20% ऑफ मिलेगा आपके पहले ऑर्डर पे, अगर आप लोग ये वाला ब्राइडल मेकअप लुक नहीं देखा तब जाके जरूर चेकआउट कर लेना, यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ब्राइडल वाली फीलिंग नहीं आ रही होगी क्योंकि मैंने सब कुछ अपने हेयर एक्सेसरीज वगैरह ओपन कर दिए हैं, बट अब वो वाली वीडियो देखना आपको पक्का लगेगा शायद, शायद कमेंट करके बताना।